हाँ जी किसान भाइयों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रीत एग्रो। आशा करते हैं सब आप ठीक होंगे। तो बेसिकली मेरा आज वीडियो बनाने का पर्पज़ यह है कि इसमें जो गरारियाँ हम इसमें डालते हैं थ्री स्पीड में, वो कितने दांते की होनी चाहिए और जो मेन शाफ्ट है उस पर कितने दांते की होनी चाहिए, कुटी मोटी बारीक करनी हो वो कैसे होगी, तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये गरारियाँ किसके कितने दांते हैं वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल इसमें जो गरारी डली होती है वो है 55 दांते की। इसमें जो अंदर है ये जो आप यहाँ से देख सकते हो ये 55 दांते की है, और जो आगे मेन शाफ्ट पे है, मेन शाफ्ट पे है ये है जी 20 दांते की। तो इस पे जो है बिल्कुल जो है इसमें गियर है 3 स्टार का। तो फर्स्ट गियर में जो है वो कुटी ही रहती है बारीक, ठीक है, सेकंड गियर में मोटी हो जाती है और थर्ड गियर में और मोटी हो जाती है, ठीक है। अगर हमने इसके और मतलब चाहते हैं कि हम इसको और मोटी करना चाहते हैं तो इस जो गरारी है इसको हम इसको 45 की कर सकते हैं, 45 की कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो गरारी के घंटे में अगर हमने मशीन हमारी 3 घंटे में है, मशीन कई बार होती है 3 घंटे में कोई बनवाते हैं, तो उसमें जो गरारी है उसको में हमने गरारी जो है वो 65 दांते की ही डालनी है, ठीक है, 65 दांते की उसमें गरारी डालनी है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि जो 4 घंटे की है उसमें तो 55 की गरारी बिल्कुल एकदम से सेट रहती है, जो मेन शाफ्ट पे है वो 20 दांते की रहती है सेट, और जो है गियर पे है वो जो है वो 55 दांते की रहती है। हाँ जी किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, जो मेरे किसान भाई जो हैं जो इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और कमेंट भी करें जिससे कि वीडियो को प्रमोट हो सके। तो थैंक यू सो मच।